Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या की गैर हाजिरी का फायदा उठाने वाली द्वारिका नहीं जानती कि अहिल्या की गैर हाजिरी उस पे कितनी महंगी पड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो द्वारिका है, द्वारिका ने एक ही अभी मोटिव पकड़ा हुआ है कि खंडेराव की पार्वती से शादी करवाना। अब इसके बीच में अहिल्या क्या कर रही है उस पे उसका ध्यान ही नहीं है। वो चाहती है कि अहिल्या की एब्सेंस हो और फटाफट से वो ये रिश्ता डिक्लेयर करवा दे और फिर शादी की बात करवा दे। तो ये सब द्वारिका सोच रही है, मगर यहाँ पे जो अहिल्या कर रही है वो सीधा सीधा गुन्नू जी की तरफ जा रहा है और इस तरफ द्वारिका का ध्यान ही नहीं है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अहिल्या जो करने जा रही है दोस्तों, उसको नहीं पता कि इसके पीछे गुनू जी है। वो उस इंसान को पकड़ने जा रही है जिसने प्रजा के साथ बुराई की है, प्रजा के हक को मारा है। वो सिर्फ वही करने जा रही है। अब उसको नहीं पता इसके पीछे कौन है, दरबार से है या घर से है या कौन है, मगर गुनू जी को तो पता है। और ये चीज द्वारिका भी कहीं ना कहीं समझ सकती है कि अगर अहिल्या किसी काम के लिए बाहर जा रही है तो वहां पे जो भी कुछ करने वाली है उसका इफेक्ट उसके परिवार पे भी पड़ सकता है, क्योंकि गुन्नू जी दूध के धुले नहीं है ये द्वारिका जानती है। मगर अब उसको जुनून सवार है द्वारिका के ऊपर कि मुझे गौतमा को और खंडेराव को और अहिल्या को अलग करना है। तो गौतमा खंडेराव एक साइड, उनकी पार्वती बहू एक साइड और अहिल्या पूरी दूर हो जाएगी। यहाँ पे जो वो सोच रही है कि अहिल्या महिकपुर जाएगी, उसके एब्सेंस में गुड्डी पड़वा से पहले ही मैं ये सब चीजें करवा दूंगी, इधर द्वारिका ये चीजें करवाएगी, उधर उसकी बेटी के ऊपर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। ये उसको अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये समझती है कि इंसान से लेके भगवान तक उसी के इशारों पे नाच रहे हैं। अगर द्वारिका कहती है कि देवी माँ का आशीर्वाद है, सिचुएशन को वैसे हैंडल करवा देती है तो लोग वही समझते हैं, मगर ये द्वारिका का भ्रम है दोस्तों। क्योंकि जब देवी आई, शिव शंभू इन सबको साथ लेके, उनको जो कहते हैं षड्यंत्र का हिस्सा बना के, जो भी इंसान यूज करता है उसका बुरा तो तय ही होता है, और ये बुरा इस तरह से होगा जो सिचुएशन द्वारिका ने बताई है। जैसे वो जमुना के साथ बात करते हुए कह रही कि अभी जाएगी अहिल्या तो बहुत अच्छा है, जाने दो, मगर जब पता चलेगा कि क्यों गई थी अहिल्या, कौन पकड़ा गया, तब द्वारिका की सिट्टी पिट्टी हो जाएगी गुम। तो ये है दोस्तों द्वारिका का जो अभी तक समझ में आया है इस पूरी सिचुएशन में। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.